हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमारे साथ भैया हैं जिन्होंने कि रिसेंटली अभी विश्वकर्मा पूजा में परचेस किया था पैशन प्रो का BS6 मॉडल। तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था कि इसका जो गियर वगैरह है वो फंस रहा है और मतलब इसमें क्या क्या तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आज हम भैया से ही ओनरशिप रिव्यू लेंगे कि इनको कैसा लगा बाइक, मतलब अभी तक इन्होंने चलाया है, क्या इनकी फीलिंग्स है और क्या ये सजेस्ट करते हैं इस बाइक को लेना या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप इनसे से आपको जो भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इनसे सारा क्वेश्चंस करता हूं जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले जाकर और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी आपकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले भैया से हम बात करते हैं। तो भैया, सबसे पहले अपना नाम बताइए। विशाल कुमार जी। तो भैया आप बताइए कि आपको ये बाइक जो है ये ऑन रोड कितना का आपको पड़ा? ये बाइक ऑन रोड 77,083 रुपये पड़ा। 77,083। तो आप फाइनेंस में लिए या फिर आप कैश पेमेंट में लिए। तो जैसे कि आपने सुना फ्रेंड, 77,083 रुपये इनको पड़ा है। तो मतलब इन्होंने पूरा कैश पेमेंट देकर लिया है इस बाइक को। तो आप ये बताइए कि आप 110cc में जैसे आप ये बाइक लिए तो आप और दूसरा बाइक के लिए क्यों नहीं गए? जैसे कि लीवो भी आता है होंडा की तरफ से, तो आप उसके लिए क्यों नहीं गए? नहीं, ये न्यू मॉडल आया, BS6 आया है, अच्छा लगा, लुकिंग भी अच्छा है और दिखने भी खूबसूरत है और माइलेज भी है, इसीलिए फ्रेंड्स इन्होंने पैशन प्रो को लिया। तो अब सबसे पहले आप ये बताइए कि अभी तक आपको राइडिंग में जो है इसका क्वालिटी कैसा लगा? BS6 जैसा लगा चलाने में, जिस तरह अच्छा निकाला हुआ है और इसका माइलेज भी ठीक है। और मतलब आपको माइलेज अभी तक जैसे आपने कितना राइड किया है पहले तो आप वो बताइए। 154 किलोमीटर चला। तो फ्रेंड्स आप एक बार पहले देख लीजिए कि इसका राइडिंग कितना है, यहाँ दिखा दीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 155-158 किलोमीटर के लगभग इन्होंने अभी तक चलाया है। तो अब इनसे पूछते हैं कि इनको जो राइडिंग में है वो कैसा लगा और क्या क्या प्रॉब्लम आया, बताइए भैया। प्रॉब्लम आपको क्या क्या मतलब अभी इसमें फेस करना पड़ा? प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ है नहीं है, बट थोड़ा सा ये मतलब चाबी लॉक और अनलॉक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है और थोड़ा सा जैसे गाड़ी थोड़ा धीरे हो रहा है गियर चेंज करने में तो गाड़ी बंद हो जा रहा है। मतलब गाड़ी बंद हो जा रहा है? हाँ। मतलब ज़्यादा स्पीड में या कम स्पीड में? कम स्पीड में जी। तो मतलब मेजर कोई आपको और कोई प्रॉब्लम ऐसा फील हुआ कि मतलब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं, अच्छा लगा चलाने में ही और सीट भी थोड़ा अच्छा दिया हुआ है, थोड़ा ऊँचा है। मतलब प्लस पॉइंट आपको क्या लगा इस बाइक का? प्लस पॉइंट ये लगा कि ये आपका जो 77,000 का गाड़ी जो है वो चलाने में लगा कि कोई पल्सर ये सब हम चला रहे हैं। हाँ जी। तो मतलब जैसा कि फ्रेंड्स आपने भैया का ओनरशिप रिव्यू सुना, ये इस बाइक को राइड कर रहे हैं और ये इस बाइक को ऑन भी कर रहे हैं, तो ये आपको ज़्यादा अच्छा से बता पाएंगे कि क्या इनको प्रॉब्लम अभी तक फील हुआ और नहीं हुआ है। तो आप सजेस्ट करिएगा कि मतलब 110cc में इस बाइक को लेना चाहिए या नहीं? जी लेना चाहिए। तो गियर मतलब जो फंसने का जो प्रॉब्लम है उस टाइप का आपको कोई प्रॉब्लम आया है? नहीं, उस प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ठीक है। तो फ्रेंड जैसे कि आपने सुना गियर वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है इन्हें। तो ये रहा फ्रेंड्स इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू, भैया ने आपको सब कुछ डिटेल में बताया। तो होप करता हूँ आपकी जितनी भी डाउट्स होगी इससे मतलब वो सब क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स, और स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे हम भैया को जिन्होंने आज हमारा हेल्प किया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।